कल काफी पानी था, कल काफी इसे मजा नहीं था, कोई हेल कर चला जाता। हाँ बहुत पानी था कल। आज क्या स्थिति? आज कल से बहुत बहुत स्थिति कम है, बहुत। आपका घर डूब गया है? हाँ डूबा हुआ है, देखिए ना सर। सरकार की तरफ से कोई राहत मिल रहा है? राहत क्या हुआ, कोई नल कुछ नहीं था कल। खाना पीना? खाना पीना चल रहा है सिविल बांध पर। सिविल बांध पर तो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा रहा खाना पीना। हाँ हाँ। आज जान माल के लिए क्या सुविधा दी जा रही है? अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। कोई आए है कि नहीं अधिकारी आप लोगों से? आता है, बाने पर से घूम कर चला जाता है। अंदर आप लोग से मिलने नहीं आते हैं? उधरे बाने पर से आप कहते कहियो ना हूँ, अबियो ना। क्या नाम है? हमको महादेव मेहता। गाँव का क्या नाम हुआ? शिवपुरी। अखनी कनी पानी के डोन छ, कल से बाबू हमरा के घर में कुछो नहीं रहल, सब रजबद भ गेल, माल जाल सब मरे छ, खाए बे खाना हमरा टेंशन से बाबू घर टेंशन से कुछो नहीं सुहाय छ। तो सरकार के तरफ से कोई सुविधा मिल रहा है? ए बाबू बात बनल, अखनी देर कोई गेबो नहीं कलक, कोई खेबो नहीं कलक ये बाबू बस। हाँ और जान माल के लिए? नहीं कुछ नहीं, इतना गलिए दरबार ने बोरा लेकर भंगा लेकर भाग गेल, ओने माल जाल सब मरे छ, बकरा बकरी सब सब मर रहा है। हाँ हे बाबा तो रखना। सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं कुछ आए है मिलने आप लोगों से? बोर किना एगो मीडिया वाला आयला रात में आ चल गेला, गेला तो गेले रह गेला, कोई ना अखनी देर। और डीएम उएम नहीं आए? नहीं कुछो ना बा मारे झाड़ू बजर खसवा सक, सब चीज एगो भुजा भुजेल ने रखलक, नहीं देखे छे आब आब के सबटा की हाल छे। दुई मरद खैधा खुन खुन दलके घर अंगना में हर चीज, कुछ न बाल बच्चा के नहीं लत्ता न कपड़ा बचले, जेह देह में पिन के गलिए वह टा बाल बच्चा के रहले देह में, धोई पोछ के सब ले गेले। खाना पीना कुछो न, खाना पीना कुछो न बचे की छे घर में, कतो कुछो छे रखलक है? सरकार के तरफ से कोई सुविधा मिला? कुछो कतो न, कोई आया है कि कोई नहीं आले, कुछो कतो न अखनी देर छे कुछो तो मरल न छे हमरा के लिए, तो की छे जिंदा माल जाल भैंस गेले, बकरी पटरू चल गेले, जान ला ला के भाग लिए, तब आ वोट कहते ले ल। हाँ नाम क्या होला? परमिला देवी। क्या समस्या हो रही है? क्या समस्या है तो हेबे घर भैंस गेले, मोइन खुन दलके घर में कुछो न रहले, बाल बच्चा कपड़ा बस्तर नहीं रहले, जा देह में छे पिन्ह वह छे सब बह गया, सब चल गेले, कुछो न। सरकार के तरफ से कुछ मिला? कुछो न मिले अखन तक, तो सुनबाए न छे, जाए तीन दिन भ गेले, ने जुगी ले पल्ली दलके ने कुछो दलके। खाना पीना? खाना पीना हेबे सिविल तरफ से दे छे, दे रहा है। हाँ और दवाई बड़ी कुछ भी? कुछो न। गाय भैंस के लिए चारा? कुछो न कहाँ दलका, तीन दिन से वह माल मरे छे, नहीं मिल रहा, नहीं दलके, कोई व्यवस्था नहीं, कुछो न व्यवस्था। आए हैं आप लोगों से मिलने? कहाँ कोई नहीं एले, कोई नहीं है, नहीं एले, भूसा तूसा सब भैंस गेले, कुछो न रहले, माल हेबे तीन दिन से मरे छे, एगो पौस हेबे मर गेले, उठी मर गेले, नहीं ले जा सकलिए, नहीं रहे कोई तो मर गेले, सब गिर गया, सब चल गेले, कुछो न रहले, चौकी है मसे भैंस गेले, कुछो न रहले। मंजू देवी क्या समस्या हो रही है? पूरा घर आप लोगों का डूब गया? सर घर नहीं, वो ड्राम भी हमारा चला गया, कुछ भी नहीं बचा घर में, खाने के लिए कुछ भी तरस रहे हैं, अभी कोई हेल्प के लिए नहीं आया इधर में, हमारा हेल्प के लिए कोई सरकार वरकार कोई भी नहीं आया, मुखिया सरपंच कुछ भी नहीं हेल्प के लिए आया, सब कुछ बह गया पानी में, माल जाल बकरी बकरा जो भी था सब बह गया, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा सर। सरकार की तरफ से कोई आदमी? कोई आदमी नहीं आया बचाने के लिए। खाना पीना कैसे हो रहा है? अभी खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा, वो लग रहा है, वो शिविर लग रहा है तो उसमें खा रहे हैं, बच्चों का दवाई भी उस दवाई वबाई के लिए भी देता है, कोई देता है कोई नहीं भी देता है, बोल करके वो चला जाता, कोई नहीं सुनता बात को। कोई राशि उसी के लिए आप लोगों को मुखिया? अभी तक कोई राशि के लिए नहीं आया आगे में, कोई आया नहीं, पूरा घर गिर गया, पूरा घर गिर गया, तीन ड्रम गेहूँ चला गया, कुछ भी बचा कपड़ा उपड़ा कुछ भी नहीं बचा हमारे घर में। खेती जो भी था थोड़ा बहुत खेती था वो भी तो बह गया पानी में, खेती क्या, कुछ भी खेती भी नहीं है उतना, दो एक दो कट्ठा से क्या होगा सर आप बोलिए, कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए कुछ। मेरा नाम मनोज कुमार मुखिया, पिताजी का नाम रघुनी मुखिया। बहुत पानी आ गया, पूरा घर डूब गया, घर भी टूट गया सर। अच्छा इससे पहले कभी इतना पानी देखे थे? नहीं इतना पानी नहीं आया था सर, कम कम बेसी आ रहा था, बहुत जास्ती पानी आया सर।
पिछले बार जितना पानी आया था और अब इस बार जितना पानी, कितना लग रहा है कि पिछले बार कम था या अभी ज्यादा है? सर बहुत बोल रहा है कि बवारू बोल रहा है 50 साल के बाद इतना पानी आया है सर। पूरा घर आपका डूब गया? पूरा डूब गया सर। सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली? नहीं मिला है सर, कुछ नहीं मिला है सर। कुछ नहीं, कोई नहीं आया मिलने आप लोगों से? नहीं कुछ नहीं, वो खाना दे रहा है बस, खाना दे। हाँ, बस खाना। अच्छा, कोई मिलने आए हैं आप लोगों से? मिलने कोई नहीं आया सर। मुखिया वैसे रहता है, बांध पे रहता है, उधर चला जाता है, घर इधर देखने के लिए नहीं आया। नहीं आया। जान माल के लिए कुछ सुविधा मिल रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। गाय के लिए कुछ नहीं दिया है? चारा नहीं मिला? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। सरकार तो कह रही है कि चारा हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। नहीं, चारा सर नहीं मिला है सर। नहीं मिला? नहीं मिला है सर। भूसी भी नहीं मिला है माल खाने के लिए। आपका सामान वामान बचता है कि सब? सर सारा चावल तावल, ड्राम भी भांस गया, इसमें ड्राम था, ये भी भांस गया, बहुत ड्राम भांस गया, 4-5 ड्राम भांस गया चावल का और गेहूं का। खेती बचता है कि खेती भी? खेती भी चला गया सर। कुछ नहीं रहा? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? गोलत मुखिया। गाँव का क्या नाम है? ये मुरकुचिया। समस्या बड़ी गंभीर है, पानी है, जब चौकी पर चौकी देखे हम लोग रहा सारे रात घर पर रह गया, कोई सरकार तरफ से कोई चीज का कोई गुंजाइश नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं दिया आप लोग का। ये पानी हटा तो हम लोग का ये आप समस्या से जाते हैं, कहीं कहीं ऊंचका पर कहीं कहीं रहते हैं हम लोग, नहीं जगह जमीन में सबका सब दबा गया, सब में सब पानी है, कोई नहीं है खाने पीने के लिए, कुछ नहीं है। इससे पहले कभी इतना पानी देखे? इससे पहले कभी नहीं इतना पानी था, कभी नहीं था। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम बाढ़ पीड़ितों के लिए सारा सामग्री दे रहे हैं, बाढ़ राहत सामग्री दे रहे हैं, जान माल के लिए कोई चीज नहीं, माल जाल का मिलता है, लोग का मिलता है, कोई सामान नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं अभी तक। हम लोग का खाने पर भूखे रह गया है घर पर, सारे रात रह गया है घर पर, कोई सामान का सुविधा नहीं है। कम्युनिटी किचन और ये सब की जो व्यवस्था की जा रही है वहाँ पे खाना मिल रहा है? वहाँ पर तो जाते हैं जो धार में जाने निकले, जाने यहाँ से जाएगा कैसे, पानी है ना का व्यवस्था है तो जाएगा कहाँ से, भूखे रहता है घर पर, भूखे रहता है, भूखे रहा है 3-4 रोज से। क्या नाम हुआ बाबा? हमारे बुधन सुतियार नाम हुआ, झकराई। क्या आपका भी घर पूरा बह गया पानी में? पूरा बह गया, कुछ नहीं बचा? नहीं, सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। नमक तक नहीं भेजा है? नमक तक नहीं भेजा? नहीं। कहा जा रहा है कि कम्युनिटी किचन और जानवरों के लिए चारा सब कुछ नहीं आया है अभी कोई, तक कोई मिलने आए हैं? कोई नहीं। कोई अधिकारी? कोई विधायक ना अधिकारी, कोई नहीं, कोई बात करने नहीं है? नहीं, पूरा सामान बह गया? बह गया। अच्छा, कभी इससे पहले कभी इतना पानी देखे? कभी नहीं आया था, हमारे उम्र में नहीं आया था। आपके उम्र में? हमारा उम्र 67 होने जा 65-70 के करीब है और आज तक हम इतना पानी नहीं देखे। अच्छा, आप लोगों को कोई आदेश दिया गया था कि पानी का बहाव तेज है? हाँ, ये गया था, ये कहा गया था, ये कहा गया था। हाँ, ये कहा गया, पहले ही कहा गया था। हाँ, अचानक पानी आ गया, अचानक एकाएक ना आ गया, कहा रात में और सुबह पानी आ गया, निकलेंगे कैसे? नाव तो है नहीं, नाव भी नहीं मिला, नाव तो है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। क्या नाम हुआ? गजेंद्र यादव। कहाँ रहने वाले? झकराही 13 नंबर वार्ड। आदेश हुआ कि यहाँ पे चिकित्सा केंद्र लगाया जाए? कल से पानी तो पहले ही आ गया था? ना ना ना, कल से आया है, कल आया पानी आया। क्या आदेश आपको दिया गया है? वहाँ कैंप लगाइए, वहाँ पब्लिक को जो है दर्द खोखी सर्दी ठंडा बुखार की दवाई दीजिए। किन किन चीजों की दवाइयाँ भी आपके पास उपलब्ध? जैसे पैखाना हो रहा है उसके लिए पाउडर है, गोली है, सिरप है, और सर्दी बुखार हो जाता है उसके लिए दवा है। पानी से भी काफी ज्यादा बीमारियां होती है, उसको लेकर भी क्या कोई दवाइयां है? ये है, कौन सी दवाई? खोखी सर्दी ठंडा बुखार कब्जियत, एलर्जी की भी कोई दवाई है? ये है। सर क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। कहाँ के रहने वाले? नहीं देख पे प्राथमिक स्वास्थ्य किसानपुर।
राहत सामग्री को लेकर उनका कहना है? हाँ नहीं, देखिए अभी इसमें दो तरह के चीज़ें अभी चल रही हैं हम लोगों की। पहला तो ये है कि अभी भी इतना अनाउंसमेंट के बाद भी जो लोग अंदर रह गए थे तो उनको रेस्क्यू करने का, तो कल हम लोगों को SDRF की टीम आ गई है और यहाँ इस सुपौल अंचल में हम लोगों के पास 4 SDRF के इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं, उसके सहयोग से हम लोग का रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी मतलब तेज़ी से चल रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पचगछिया से हम लोगों ने करीब 22 लोगों को अभी रेस्क्यू किया है SDRF के हेल्प से, और यहाँ सामने जो कैंप चल रहा है हमारा जो राहत शिविर है वहाँ वो लोग सभी भोजन आदि भी कर रहे हैं, और जो भी लोग पहले से आए हुए हैं वो भी सभी राहत शिविरों में हैं। यहाँ इस अंचल में ही अगर हम लोग सिर्फ देख लें तो हमारे 11 राहत शिविर चल रहे हैं जहाँ सुबह शाम हर समय लोग जो हैं बाढ़ प्रभावित आ रहे हैं और उनको भोजन आदि की मुहैया कराई जा रही है। मेडिकल फैसिलिटी भी है यहाँ सभी शिविरों में, पशु चारा की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और पेयजल के भी इंतजाम किया गया है। सबसे ज़्यादा सर अब किस एरिया को इफेक्ट किया है? हाँ देखिए, हम लोग तो पहले ये ज़रूर कहेंगे कि जो हमारे यहाँ जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम ने जो ज्वाइंटली एफर्ट किया तो कम से कम हम लोगों का तटबंध सुरक्षित है और यहाँ कोई ब्रीच नहीं हुआ। और जो प्रभावित की अगर बात करें तो कोसी तटबंध के अंदर के ही सभी गांव इसमें प्रभावित हैं, तो किसी को कम या ज़्यादा आप नहीं कह सकते। कई लोगों का ये कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं आ पा रहा है। हाँ नहीं, वो उसका उसकी कार्रवाई बिल्कुल अभी हम लोगों ने मुहिम के रूप में स्टार्ट कर दिया है, और जो राहत सामग्रियां हैं अभी जैसे पहले स्टार्ट हुआ है लोगों को अंदर में सूखा राशन भिजवाना, तो सूखा राशन हम लोग सबको अंदर भिजवा रहे हैं, और अभी तक आपको हम बता दें 7680 पैकेट सूखा राशन का वो हम लोगों ने अंदर भिजवाना शुरू कर दिया है, और वो नाव के माध्यम से जा रहे हैं और अंदर में लोगों को वितरित भी हो रहे हैं। सर अगर अचानक फिर से पानी आ जाता है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? हाँ वो तैयारी हम लोगों के पास है, जो हम लोगों के राहत शिविर बनाए गए हैं यहाँ पर हम लोग सभी लोगों को जितनी भी जनसंख्या निष्क्रमित होकर बाहर आएगी और सभी को हम लोग यहाँ पर एकोमोडेट कर सकते हैं और उनके लिए सभी प्रबंध है। क्या लगता है कि पानी का अभी जो बहाव है वो कम हो रहा है? हाँ काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है, और काफ़ी जगह तो जो हमारा रेस्क्यू टीम गया तो लोगों ने कहा कि अब नहीं, अब हम लोग यहीं रहेंगे, अभी हमको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी भी बातें आ रही हैं। कईयों के घर भी ढह गए। हाँ वो हो गया, उसका जो SOP है वो आपदा प्रबंधन विभाग का, उस SOP के हिसाब से काम हो रहा है, और जो भी मतलब उनको रिलीफ देना है हम लोगों को वो सारा देंगे। जैसे गृह क्षति का अनुदान जो उनको देना है उसके लिए भी हम लोगों का सर्वे शुरू हो गया है, टीम लगा दिया गया है, गृह सर्वे का सर्वेक्षण चल रहा है। राशिद कलीम अंसारी, अपर समाहर्ता, सुपौल। अभी क्या हालात है वर्तमान में? वर्तमान में हालात बहुत इम्प्रूव कर रहा है और बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है। हम लोग तो अभी फील्ड से आ रहे हैं और जिस तेज़ी से पानी घटने लगा है तो लोगों का है कि अब अंदर ही रहना चाह रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में संभाल रहे हैं। हम लोगों का कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ पर पानी घट रहा है रिलीफ का जो भी काम हो हम लोग गाँव के अंदर करें। अभी सर आप कहाँ कहाँ मूव किए हैं और किस तरीके की सिचुएशन अभी वर्तमान में मिल रही है आपको? वर्तमान में सभी जगह वही स्थिति है, पानी सब जगह लगभग अच्छे खासे मात्रा में घटा है, और अभी किशनपुर, बपटियाही, अभी सब सारा हम देख के आ रहे हैं, सब जगह वही स्थिति है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास राहत सामग्री नहीं मिल पा रही, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं? राहत सामग्री के बारे में तैयारी हो रही है, आप लोग देखेंगे अगर बांध पे जाएंगे तो हर जगह राहत के रूप में कम्युनिटी किचन चल रहा है। तो अब जैसे अभी किशनपुर में गए थे हम लोग, जहाँ जहाँ पानी घट गया है गांव के अंदर, पहले तो गांव के अंदर पानी था तो हम लोग बाहर ही चलवा रहे थे कम्युनिटी किचन, सामुदायिक रसोई, लेकिन जब पानी घटा है तो कुछ लोगों का डिमांड था, आज सुबह रोड पर भी आ गए थे वो लोग, तो अब गाँव के अंदर ही हम लोग जहाँ जहाँ भी हो संभव है, जैसे अगर सूखा हुआ है सब कुछ है तो वहाँ भी चलवा रहे हैं। क्या अभी भी कहीं रेस्क्यू चल रहा है जहाँ पे पानी अभी भी बहुत ज़्यादा है? हाँ जहाँ है वहाँ पे चल रहा है, लेकिन चूँकि पानी घट गया है तो बहुत लोग आना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी रेस्क्यू के लिए हम लोग रेडी हैं और हो रहा है। नेपाल की तरफ से अगर फिर से पानी तेज़ी से आता है तो उसको लेके क्या जिला प्रशासन किस तरीके से तैयार? अगर फिर से आता है तो हम लोग रेडी कंडीशन में है, हम लोग रेडी हैं।
थोड़ा समय तो जरूर लगता है, लेकिन हम लोग हैं, सही समय पर पहुँचा देंगे। सर, कई ऐसी जगह जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उन लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनको उनकी भी समस्या, उसको लेकर किस तरीके नहीं है, इस तरह का संज्ञान में हम लोगों के आया है। तो हम लोगों ने अभी भी एक मेडिकल टीम को किशनपुर में भेजा है, तो इस तरह जहाँ भी इस तरह की सूचना आती है हम लोग मेडिकल टीम को भेजते हैं, चूँकि अंदर में सारा कुछ तो लगभग डिस्ट्रॉय हो गया है और पानी ज़्यादा आ गया है, तो लेकिन मेडिकल टीम रिस्टोर हो रहा है, हर जगह जा रहा है। जिनके घर सर पानी में बह गए उनको लेकर भी क्या कुछ? हाँ, उनका है, उनका आपदा प्रबंधन के द्वारा अभी तो हम लोग रेस्क्यू पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिर सबका अंचल के माध्यम से फाइल आएगा, फिर हम लोग उसको मुआवजा की राशि देंगे। कितनी मुआवजा की राशि उन लोगों को दी जाएगी? वो अलग अलग के लिए है, झोपड़ी के लिए अलग है, पक्का के लिए अलग है, तो जो पैमाना होगा जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से देंगे।